दोस्तों आपने कलर्स टीवी का पॉपुलर शो बालिका वधू तो जरूर देखा होगा। ये शो कम समय में ही सबका फेवरेट बन गया था। ये शो काफी लंबे समय तक टीवी पर बना हुआ था। इस शो के सभी कलाकारों ने अपने किरदारों का बखूबी से किरदार निभाया, लोगों से तारीफें भी मिली। इन्हीं में से एक किरदार था कल्याणी देवी का, जिन्होंने इस शो में जगदीश की दादी का रोल निभाया, जिसे लोगों ने बड़ा पसंद किया। लेकिन दोस्तों, कल्याणी देवी का किरदार निभाने वाली ये अभिनेत्री आज कहाँ है, क्या करती है, कैसी दिखती है, अगर आप भी ये बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही इस शो के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सीरियल बालिका वधू में कल्याणी देवी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम सुरेखा सीकरी है। इनका जन्म 19 अप्रैल 1945 को दिल्ली में हुआ और सारी पढ़ाई भी इनकी यहीं पर हुई। अगर बात करें इनके अभिनय करियर की तो बचपन से ही इन्हें अभिनय में रुचि थी, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया और एक्टिंग में डिप्लोमा लिया। एक्टिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने फिल्मों से अपने अभिनय की शुरुआत कर दी। इन्होंने कई फिल्मों में बतौर सहायक अभिनेत्री काम किया, जिनमें किस्सा कुर्सी का, करामाती कोट, सरफरोश, तमस, लिटिल बुद्धा जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है। हाल ही में ये फिल्म बधाई हो में दिखाई दी थी। फिल्मों में इनका करियर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा, जिसकी वजह से इन्होंने फिल्मों में काम करना कम भी कर दिया था, जिसके चलते इन्होंने अपना रुख टीवी इंडस्ट्री की ओर कर लिया और पहली बार टीवी सीरियल केसर में नजर आई। इस शो को करने के बाद सात फेरे, बालिका वधू और परदेश में है मेरा दिल जैसे लोकप्रिय शोज में इन्होंने काम किया। लेकिन दोस्तों, इन बीते सालों में काफी बदल चुकी है। वर्तमान में 74 साल की है, पर इस उम्र में भी ये खूबसूरत और स्टाइलिश हैं और अभी भी अभिनय करती हैं, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, वर्तमान में ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी से पीड़ित हैं, जिसका खुलासा इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया। इन्होंने कहा कि पिछले 10 महीने से ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारी से जूझ रही है, इसलिए इन्होंने अभी अपने अभिनय करियर को विराम दिया हुआ है और घर पर आराम कर रही है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाएंगी और सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी इनके लिए प्रार्थना कीजिए, ये जल्दी स्वस्थ हो जाएं और एक बार पुनः टीवी पर हमें दादी नानी के रूप में दिखाई दें। टीवी से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना।